एडवाइस? आई थिंक द ओनली आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू एडवाइज एनीबॉडी. हर एक की अपनी सर्कमस्टेंसेस होते हैं. लेट मी रीफ्रेज. एनी टू थ्री थिंग्स दैट यू कैन शेयर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस हैज बीन दैट यू नो लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग वन अप के जी मैंने बहुत कमाल किया. इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट वी, इट्स अबाउट वी बोथ, लेट्स डू इट टुगेदर. तो घर में जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा ही. खैर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा ही है, आम लाइफ में भी ऐसा ही है, लेकिन अपनी जब मैरिटल लाइफ आपकी जो है उसमें जितना मैं का लफ्ज़ कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है. और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं. और यंग कपल्स के लिए है कि यूथ इज़ नॉट गोइंग टू कम एवरी डे, सो एंजॉय इट एज लॉन्ग एज यू हैव इट. आपको पता नहीं चलता कब चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती. True. और तीसरी बात यह, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग लुक एट द फ्लैग्स. यू सी द फ्लैग्स, इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग डोंट डिले इट. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी. एज ए सोसाइटी आपको क्या लगता है कि हमसे क्या चूक हुई? ये जो यंग जनरेशन है, मैं अपने ऑफिस में भी अक्सर बात कर रही होती हूँ, एक 20 साल की लड़की या एक 22 साल का लड़का, दे आर स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट. हमने क्या ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि हमने अपने अपने इर्द गिर्द देखा ना, उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा. एग्जाम्पल्स लाइक यू ऑल्सो. सो हम ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करें और इतना फियर है कमिटमेंट का? इट समटाइम्स रियली सरप्राइजेज मी व्हेन आई हियर दीज कॉन्वर्सेशंस. आई थिंक स्केयर नहीं है. आई थिंक द गर्ल्स आर इन अ पोजिशन टू टेक अ डिसीजन. दे आर बिकमिंग इकोनॉमिकली स्टेबल. दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस एंड विच इज़ गुड. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. उसने हर दफ़ा हस्बैंड की तरफ नहीं देखना. तो वो कहती है कि यार अगर आप फैसला कर सकते हो तो मैं भी फैसला कर सकती हूँ. और कमिटमेंट करने के बाद क्या होगा? अच्छा तुम घर बैठ जाओ, मैं काम करूँगा. व्हाई? दिस नो, दैट्स नॉट फेयर. सो आई थिंक वो कमिटमेंट का खौफ नहीं है. आई थिंक इट्स द माइंड सेट दैट हैज़ टू चेंज. हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो अभी तक है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, मगर उसके असरात हम लोगों पे हैं अभी तक. जो कहते हैं कि बेटा हमारा जो है वो हमारा सहारा बने, हालांकि अब बेटे बेटे कोई सहारा नहीं बनते. बेटियां बल्कि ज़्यादा ख्याल करती. लेकिन वो हमेशा से एक डिफरेंशियल रहा है, एक ओपिनियन ऐसा रहा है कि वो लड़कियों को महसूस होता. तो आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और हमारे गांव में ऐसा नहीं है. गांव में लोग समझदार है. कमिंग बैक टू हु इज मोर एजुकेटेड, शहरों में ज़्यादा है. ओके, मुझे सैड. अच्छा, आपके अब्बा ने तो वो कलर ड्रामा आने का वेट किया, फिर आके आपको कुछ बताया? आहत के साथ आपने पहले ड्रामे पे ही उसको कुछ कहा, या यू वर आल्सो अ लिटिल स्लो इन अप्रिशिएटिंग हिज वर्क, या कैसा था प्रोसेस? नहीं, आहत के केस में इट्स डिफरेंट. ये अब स्कूल जब यहाँ से वापस गए तो इन्होंने स्कूल में मेजर अपना जो लिया था वो थिएटर लिया था जी. तो इनको शुरू से शौक था. फिर ये जब यूनिवर्सिटी गए तो इन्होंने कहा शायद मुझे खुश करने के लिए कि मैं एमबीए करूँगा. अच्छा. मैं कहा ज़रूर. मेरा इनको सिर्फ ये गाइडलाइन थी कि यार ऐसा कुछ कर लो कि जो अगर तुम ये वाली साइड ना कंटिन्यू कर रहे हो तो वो वाली साइड तुम्हारे काम आ जाए. तो यूनिवर्सिटी में अबाउट आई थिंक आफ्टर अबाउट 4 semesters or 6 semesters इन्होंने फैसला, इन्होंने रोते रोते इनका पाकिस्तान मुझे फ़ोन आया कि जी मेरे तो नंबर्स गिरने शुरू हो गए. तो मैंने कहा किस में नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं? कहने लगा थिएटर में. मैंने कहा तो चॉइस इज़ वेरी सिंपल. सो इनको इन्होंने फिर अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड देन ही एक्सेल्ड इन इट. जो टफ चीज़ थी कि इनके पास उर्दू का इशू था. इनके पास इन्होंने पढ़ नहीं सकते थे, बोलते तो थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे. तो जब यहाँ पाकिस्तान आए तो इनको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा. फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया. तो बट वी हैव नेवर डिस्करेज्ड एनीबॉडी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ.
लेकिन तारीफ कब की आपने, मैं ये जानना चाह रही हूँ कब? मैंने आज तक नहीं की। क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी। वाई जरूरत नहीं पड़ी? वो मेरी चीजों की तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी क्यों करूँ? ये तो घर का मसला ही आ गया भाई। ये घर का मसला तो है। But don't you think as a parent आपका ज्यादा फर्ज है कि आप तारीफ करें? नहीं, उसका भी फर्ज है। आहत, ये क्या हो रहा है, हम क्या सुन रहे हैं? ये ऐसे ही है। मुझे लगता है एज अ फादर आपको जरूर उनकी तारीफ करनी चाहिए। सोचें कितने चैलेंजेस थे, उर्दू भी नहीं आती थी उनको, और मुझे पता है कितना मजाक उड़ता था उनका सेट पे, उन्होंने शेयर किया हुआ है। मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको अंदाजा है कि मेरा उन्होंने भेजा कितना खाया होगा उर्दू सीखने के लिए। ही शुड बी थैंकफुल टू मी। आई लाइक इट कि आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। और यही एंड ऑफ द डे तो ऐसे ही होता है। चलिए, अब अगर आप कुछ कहना चाहें अहद को तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ही इज डन वंडरफुल फॉर हिमसेल्फ, ही इज वर्कड हार्ड एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू हिम एंड ही शुड कीप हिज हेड डाउन एंड देयर इज मच मोर टू डू। तो बट आई थिंक ही इज अ बॉर्न एक्टर एंड ही शुड कीप वर्किंग हार्ड। और जो अच्छी बात है कि उन्होंने अपना करियर को पे फोकस करके अब उसको अपने दिमाग पे सवार नहीं होने दिया। तो जो रिकग्निशन उनको आई है उसको उन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं किया उससे। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। कोई एक एडवाइस दी थी आपने उनको जब वो करियर स्टार्ट कर रहे थे एक्टिंग में? हाँ, बस एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी वेरी लोनली एट द टॉप। ओह, इट इज़। इट इज़ ऑलवेज वेरी। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। व्हाई इज़ इट लोनली एट द टॉप? You can't trust anybody. You don't know who's real, who's not. किसकी तरफ मुड़ के देखें? ये एक sad reality है। It's a sad reality. चलिए, मैंने तो acting करनी नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? But maybe you are on top in your own game. वो तो मुझे नहीं पता, but yeah, it's scary. It's scary to think about this. It is scary. You know, but I understand. जैसे-जैसे आप ज़्यादा-ज़्यादा चीज़ें करते हैं, मुझे लगता है choices भी आपकी change होना शुरू जाती हैं। बिल्कुल, सब आप अपने आप को ज़्यादा value करके you are selective with how and with whom you are spending your time। Absolutely, और वो आपकी बड़ी responsibility है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। अपने ऊपर बंदिशें कितनी डालें आप, किसी हर किसी से मिलना चाहते हैं, आप सोशल आदमी हैं, नहीं मिल सकते। कभी कभी मिलने का दिल भी नहीं चाहता। You are like, okay. आप किसी जगह गए हैं, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह फोन है, तो आदमी आहिस्ता कटना शुरू हो जाता है, स्टार्ट बिकमिंग लोनली। कभी कभी आपको लगता है कि आपके दो बेटे माशाल्लाह, स्पेशली अहद, या चले दोनों को करें, उनकी अचीवमेंट्स, उनके टैलेंट या उनके सिलेक्शन एंड ऑनेस्ट सिलेक्शन को भी अंडरमाइन किया जाता है या अंडर एस्टिमेट किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है सिंपली बाई वर्च्यू ऑफ देम बींग योर सन्स के इन द नेम ऑफ नेपोटिज्म? तो उनको वो क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो उस तरह नहीं दिया जाता, या उनकी परफॉर्मेंस को कोई ना कोई बात कह के डाउन किया जाता है जस्ट बिकॉज के वो आपके बेटे हैं? That's the price they have to pay. How do you heal with it? मतलब कितना आपको अफेक्ट करता है या उनको कितना अफेक्ट करता है? I think it is immaterial. It doesn't bother anybody. शुरू में थोड़ा बॉदर उसको करता था, बट डू दीज पीपल मैटर? नो, ओके, दे आर नॉट important. The important thing is the praise you get, not only locally but internationally. मैंने जाके फिर इसका मतलब है नेटफ्लिक्स का वो प्रोजेक्ट खरीद लिया था जिसमें आहत कास्ट हुआ,